तो आज जिस शख्स का मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ, वो शख्स से जब आप मिलेंगे तो आप सोचेंगे कि ये इन्होंने एक ऐसी क्रांति लाई है कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में कि ये देखने लायक है। दिल्ली NCR हो या बाकी शहर हो, अभी तक ये 22 सिटी में है लेकिन आने वाले समय में ये और सिटीज भी एक्सपैंड करेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोरिया हमसे जीत गया, USA जीत गया, लेकिन क्या ये समय भारत का है? आइए जानते हैं। मेरे साथ हैं CEO एंड फाउंडर ऑफ ऑयलर मोटर्स मिस्टर सौरभ कुमार, वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद आप मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। तो सर सबसे पहले अगर मैं अपने चैनल के बारे में बताऊं तो जो हमारे चैनल वाले हैं वो बहुत टेक्निकल ही हैं, मतलब हम कोशिश करेंगे कि लेमेन भाषा में आसानी से समझा पाए लोगों को। ठीक है ठीक है। तो हु इज सौरभ कुमार और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई आप बता पाए? तो मैं अपने आप को इंजीनियर से आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं यही दिल्ली में स्कूलिंग एंड कॉलेज भी किया था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बैचलर किया कंप्यूटर साइंस में। फिर बाहर पढ़ने के लिए गया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA में, वहाँ से मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। फिर याहू एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप सब जानते होंगे, वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैंने अपनी पहली कंपनी Q26 करके थी, उसको स्टार्ट किया। वो कंपनी में हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड करते थे मोबाइल फ़ोन के लिए। उस समय में ये 2012 का टाइम है जिसमें आपका कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, इन सब फोन्स का काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन फीचर फोन स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन चल रहा था। तो हम उनके लिए सॉफ्टवेयर बिल्ड करते थे। फिर हम लोगों ने स्मार्ट बल्ब किया, बहुत सारे ऐप्स भी बिल्ड किए। इवेंचुअली इस कंपनी को हम लोगों ने 2017 में पेटीएम को बेचा। उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी स्टार्ट करने के लिए सोचा था। उस समय में मैं देख रहा था कि किस किस डोमेन में इंडिया में आने वाले टाइम में पोटेंशियल है और उनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो जिसमें मेरा पैशन और एनर्जी लगा सकता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल वो एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि मुझे लगा कि इंजीनियरिंग तो है ही, क्योंकि आप व्हीकल बना रहे हैं, बिना इंजीनियरिंग के तो आपका प्रोडक्ट बनेगा नहीं। बट एट द सेम टाइम आप जो प्रोडक्ट निकालेंगे इससे, खैर इवेंचुअली जब आप प्रॉफिट, सारी कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, बट जब प्रॉफिट आप कमाएंगे उसके साथ साथ आप समाज को भी कुछ देंगे, आप पोल्यूशन जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इंडिया को ग्लोबल स्केल पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में काफ़ी मतलब जो पुश आ रहा है, नया दौरान आ रहा है आपका दौर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए हम लोगों ने 2018 में ये कंपनी स्टार्ट की थी। हम लोगों की कंपनी जो है कमर्शियल व्हीकल पे फोकस्ड है। कमर्शियल व्हीकल में दो टाइप की होती है, एक पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और एक है गुड्स कार्गो के लिए। हम लोग की कंपनी प्राइमरली कार्गो ट्रांसपोर्ट पे फोकस्ड है। हम लोग ने पहले के जो 2018 से आपका 21 का दौरान है उसमें हम लोगों ने कुछ 200 से 250 व्हीकल बनाए। उन व्हीकल्स को ग्राउंड पर डाल के टेस्टिंग किया, वैलिडेशन किया, आपके ये मल्टीपल सीजन्स के थ्रू, बरसात ऋतु था, गर्मी का टाइम था, ठंड का टाइम था, हम लोगों ने उसमें व्हीकल्स का देखा क्या परफॉर्मेंस रहता है। हम लोगों ने मतलब हज़ारों कस्टमर्स के साथ पायलट कर लिए होंगे। उस आपके ई कॉमर्स प्राइमरली थे, FMCG, इन सबसे हम लोगों ने बात की होगी। उनसे एक समझ आया कि एक गाड़ी में जो 3-व्हीलर कार्गो है, जो हम लोग की पहली गाड़ी थी, उसमें क्या चाहिए, चाहे वो रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से है या पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इवन आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स जो हैं, जो गाड़ी में लोगों को एक टान चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रॉन्ग व्हीकल चाहिए, जो लुक्स है वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, एग्रेसिव है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा किया। 3 साल जिसमें हम लोगों ने एक भी गाड़ी बेची नहीं थी, सिर्फ हम लोगों ने रन किया, मिलियंस ऑफ किलोमीटर चलाए। मतलब उसके बाद हम लोग ने अक्टूबर 2021 में हम लोग ने पहली गाड़ी हाई लोड को लॉन्च किया था। जनवरी 2022 में हम लोगों ने बेचना शुरू किया था। उस 22 जो फाइनेंशियल ईयर्स था उसमें हम लोगों ने 300 गाड़ी बेची थी। उसके अगला जो फाइनेंशियल ईयर 23 हुआ उसमें हम लोगों ने 900 गाड़ी बेची थी। लास्ट जो 24 फाइनेंशियल ईयर हुआ उसमें हम लोगों ने 3600 गाड़ी बेची थी।
तो हम लोग का काफी अच्छा मार्केट का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने ये फैक्ट्री सेटअप की ताकि इस साल जैसे हम लोग का टारगेट है 5 से 6 हज़ार गाड़ी बेचने का, तो ये फैक्ट्री उस हेल्प करे। अब मैंने आपके बारे में ना काफी रिसर्च करी, काफी पढ़ा, काफी यूट्यूब मंगाला, काफी इंटरनेट मंगाला। एक जगह आपने कहा था कि आप नंबर 3 से बड़े फैसिनेटेड हैं, और आपका जो ये लोगो है इसका मैं अगर बता दूं, मतलब जो आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि फर्स्ट वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड वन इज स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एम करेक्ट, एंड थर्ड वन इज क्रिएशन ऑफ एनर्जी, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए ये जो तीन है ये मेनली हम लोगों ने वही सोचा, जो एनर्जी आपका जो सस्टेनेबल एनर्जी में इंडिया को कैसे पुश करें, दैट वहीं से स्टार्ट हुआ था जो थिंकिंग था कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि थोड़ा एक लॉन्ग लास्टिंग भी हो, जिसका इम्पैक्ट हो। और एनर्जी का जो पहला सबसे पहला हमें लगा था कंजम्पशन, जो कि आप जैसे गाड़ी अब चला रहे हैं, चाहे डीजल चलाइए, पेट्रोल व्हीकल चलाइए, CNG, उसमें तेल चल रहा है, उससे गाड़ी चल रही है, तो वो एक एनर्जी को आपने यूज़ किया है। वो एनर्जी जो आप ये फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो रिन्यूएबल नहीं है, जिसकी वजह से आपके पोल्यूशन है, इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी है। तो कैसे हम लोग जैसे ईवीज में इज़ अ वे जिसमें कि वो सस्टेनेबली वो एनर्जी यूज़ कर पा रहे हैं। फिर सेकेंड है स्टोरेज, कि इवेंचुअली जब हम लोग का एनर्जी यूटिलाइजेशन को हम लोग अच्छा कर चुके होंगे, तो स्टोरेज में जैसे कि आपके लेड एसिड बैटरीज हैं, क्या उसको हम लोग बेटर टाइप के बैटरी जैसे आप लोग लिथियम बैटरीज है स्टोरेज के लिए, हो सकता है सोडियम आयन हो, कल को आपके और थर्मल बैटरीज बने, तो स्टोरेज में क्या हम और बेटर नॉन टॉक्सिक नॉन रिन्यूएबल से बेटर फॉर्म। एंड देन क्रिएशन ऑफ एनर्जी, कि आपके जो थर्मल पावर है या जो आपका क्या कहते हैं कोल पावर्ड स्टेशन है, देखिए सबकी ज़रूरत है, अपनी एमियत है, इम्पोर्टेंस है, बट कैसे हम उनको शिफ्ट कर पाए एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जिसमें आपका जियो थर्मल एनर्जी है, आपका टाइडल एनर्जी है, इन सारे सोर्सेज जो नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको कैसे हार्नेस कर पाए, तो ये तीन एलिमेंट्स हैं जो आपके उसमें। और आप नंबर 3 से क्यों फैसिनेटेड है ये तो आपने बताया। सो देयर आर आल्सो अदर थिंग्स लाइक जैसे लैंड है, एयर है, सी है, तो वी आल्सो वांट टू बिल्ड व्हीकल जो कि ये सारा उन सारे स्पेस का ध्यान रख पाए इन जनरल, मतलब सी इज समथिंग दैट आई रिलेट वेरी वेरी वेल विद। लेकिन मैं आपसे वो क्लीशे सवाल नहीं पूछूंगा जो आपसे हर कोई पूछता है, जितने मेरे इंटरव्यूज देखे कि आपने ऑयलर क्यों नाम रखा, इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसको जानना है जिसको पढ़ना है वो जाके देख सकता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है क्योंकि हम ट्रक्स के बिजनेस में हैं, क्या कोई ऑयलर मोटर्स का प्लान है आगे आने का? मेरे को पता है शायद आपका जवाब भी क्या होगा, लेकिन आप बेहतर बताएं तो मैं आपको। सो देखिए हम लोग कार्गो इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैंने लाइट कमर्शियल व्हीकल में हमारा इंटरेस्ट है, कंपनी को वी वुड वांट टू कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म फैक्टर में भी आए, उधर भी हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग ऑब्वियसली 3-व्हीलर कार्गो पे ज़्यादा फोकस्ड हैं कि इसको कैसे ग्रो करें, और अभी जैसे हम लोग ने लास्ट 2-3 ईयर्स में हम लोगों ने अपना दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद इन सिटीज़ में गए, उसको कैसे हम लोग जाके 20 से 40 सिटीज़ तक जा पाएँ, देश के कोने कोने तक इस गाड़ी को पहुंचा पाएँ, ताकि इवन गांव में जो लोग हैं जहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी रेट इवन कम है, राइट, वहां पे और कैसे आपकी गाड़ी मोर एफिशिएंटली डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी सिर्फ शहर के लिए नहीं गाँव के लिए भी बनी हुई है, चाहे आपका खेत में से गाड़ी निकल रही है तो बांध रहे उस पर चढ़ पा रही है, ये सारे जो टॉर्क है ये सारा वो सोच के ही बनाया गया है। तो आई थिंक हमारा पहला फोकस वो है कि हम डेफ तक पहुँचे। पैरेलली प्रोडक्ट पे देखिए हम लोग रिसर्च तो काफ़ी टाइम, जैसे 3-व्हीलर लॉन्च करने से पहले हम लोग 3 साल गाड़ी चलाई, उसके बाद हम लोगों ने पहला गाड़ी आराम आराम से लोगों को दिया, फिर उसके बाद भी रिसर्च कंटिन्यू ही रखा है। तो हम लोग कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को बहुत जल्दी चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए वहाँ पे पहुँचे, तो उसके बीच की जो भी गैप्स हैं उसको ईयर ऑन ईयर ख़त्म भी करते जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, एंड वो प्रोडक्ट्स भी उसी सोच से है कि कैसे हम इस इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक की तरफ ले जाएँ, बट वो इलेक्ट्रिक की तरफ
लोगों को गाड़ी इसलिए नहीं खरीदे कि ये इलेक्ट्रिक है पोल्यूशन कम है, वो इसलिए खरीदे क्योंकि उनको लगता है ये बेस्ट गाड़ी है, मतलब ये बेस्ट गाड़ी है और इलेक्ट्रिक है। बेस्ट गाड़ी है मतलब उसमें लोड ले जाओ चले जाती है, रेंज है बढ़िया, ब्रेक डाउन कम है, आपका फास्ट चार्जिंग है, पैसे की बचत है, अर्निंग्स आपको ज़्यादा है, इन कारण से ये गाड़ी बढ़िया है। ये इलेक्ट्रिक एक उसका एट्रीब्यूट है, तो वो हम लोगों का मेन फोकस रहेगा। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, और भारत सरकार ने कहा हुआ है कि 2030 तक मैक्सिमम गाड़ियां ईवी होंगी। जी जी जी। भारत के अभी के हालात को देखकर आपको लगता है, डू यू रियली थिंक दैट इट इज पॉसिबल इन इंडिया? जी देखिए, कुछ सेगमेंट्स में तो लगता है, जैसे अगर थ्री व्हीलर कार्गो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जो एक ईवी 30 करके 2030 की 30% ऑफ सेगमेंट दे वांट टू इलेक्ट्रीफाई बाय 2030, तो थ्री व्हीलर कार्गो में तो देखिए अभी 20-22% ऑलरेडी पहुंच चुका है, अभी तो हम लोग 2024, तो यहाँ से जो 4-5 साल है उसमें 30% से मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा पहुंच जाएंगे, मतलब मेरे को अब मेरे से पूछेंगे तो 50-60% क्रॉस कर चुकी होगी थ्री व्हीलर कार्गो। मेरे को पैसेंजर भी सिमिलरली दिख रही है कि जो लास्ट वन एंड हाफ ईयर में मैंने ग्रोथ देखा है, पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा है। अच्छा, फोर व्हीलर कार्गो जो ये हैं जिसमें आपके वन टन, 1.5, 2 टन है, इनमें मुझे लगता है कि एक पुश की ज़रूरत है, बट ये भी बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रीफाई करेंगे। उसके बाद वाले जो सेगमेंट है, जो ट्रक्स हैं, लार्जर ट्रक्स हैं, उनकी एक डिफरेंट साइज स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी कि उनको भी कैसे लेके जाए। और एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि जैसे महिंद्रा ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, अलग अलग कंट्रीज में बिकता है, ईवी के क्षेत्र में अभी तक कोई भारत से कोई ऐसा ब्रांड क्यों नहीं निकला? और शायद इसी में एक और मैं सवाल जोड़ रहा हूँ, ऑयल एंड मोटर्स एक्सपोर्ट के उसमें भी जाएगा या नहीं जाएगा? यस यस, सो देखिए ईवी इंडस्ट्री इंडिया के लिए काफ़ी, मतलब वाइल बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम से काम किया, बट अगर सीरियसली मैं देखूँ तो लास्ट 5-6 ईयर्स में ही मेजर काम हुआ है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, मतलब ऑब्वियसली जो दिखा है काम तो पहले से देखिए लोग 8-10 साल से लगे हुए हैं, हम लोगों को भी 6-6.5 साल हो गए हैं ऑलरेडी ये करते हुए, बट ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री का ट्रांजिशन 14-15 साल पहले से हो चुका है, तो वो लोग आपसे 6-7 साल अहेड हैं। उसका बेनिफिट भी इंडिया को मिला है कि कई चीज़ें जो ट्राई टेस्ट हो गई, रिसर्च हो गई, वो पहुँच के तो आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन थोड़ी फास्ट हुई, बट जो इम्पोर्टेंस है कि वो जो पिलर्स हैं, चाहे स्किल डेवलपमेंट का है या इन्वेस्टमेंट का है, प्रमोट करने का है, फिस्कल है, नॉन फिस्कल है, ये सारे हमें करने पड़ेंगे टू मेक श्योर कि हम आने वाले समय में इंडिया के ब्रांड्स भी वन ऑफ द टॉप, वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स हैं। एंड ऑयलर का पूरा एम्बिशन है कि हम लोग भारत से ग्लोबल मैप पे और भारत का नाम रखें, ऑयलर का नाम रखें, तो उसमें कोई हम लोग जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं उसी थॉट से करते हैं कि ऑब्वियसली अभी हमारे ये कस्टमर्स अभी मेजरली हम लोग इंडिया में फोकस कर रहे हैं, बट प्रोडक्ट ही हम लोगों के लिए सबसे पहला है, और वो मेक श्योर कर रहे हैं कि प्रोडक्ट और उसका जो एसोसिएटेड एक्सपीरियंस है उसको कैसे अच्छा करें, ब्रांड अपने आप बिल्ड हो जाएगा अगर हमने जो ड्राइवर है जो वो गाड़ी चला रहा है अगर उनका ध्यान रख ले, वो चाहे आप ड्राइवर यहाँ है, वो चाहे आपका लंदन में है, US में है, देखिए आप अगर उनका ध्यान रख पा रहे हैं जो कि गाड़ी चला के सामान डिलीवर कर रहे हैं, तो इवेंचुअली आपकी ब्रांड ओवर द टाइम बिल्ड हो ही जाएगी, तो वो एक की पिलर है जिस पर हम लोग पूरा फोकस करके रखते हैं। और एक थोड़ा व्यक्तिगत सवाल, पर्सनल सवाल, मतलब मैं अगर पूछूं आपसे, कोई कई सवाल है मेरे पास, आपने अक्सर कहा है कि आपका, आपके डैड का आप पे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है, आजकल की जनरेशन में खासतौर पर जो माँ बाप से अपने दूर होती जा रही है, इतने बड़ी पोजिशन पर आप हो अभी और अगर आप बहुत बड़े हो उसको आप कैसे देखते? ये पेरेंट्स का तो इन्फ्लुएंस हर किड के मतलब लाइफ में होता है, आई थिंक मॉम एंड डैड बोथ ऑफ देम टू बी, मतलब दोनों ही मतलब काफ़ी स्ट्रगल एंड उनसे बिहार से ला के यहाँ तक बड़ा किया, तो आई थिंक बोथ हैव देयर आई वुड से राइट इन्फ्लुएंस ऑन मी। डैड पर्टिकुलरली मैथ्स एंड फिजिक्स में उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो उन्होंने बचपन से ये ऑयलर थ्योरम और आपके इंटीग्रेशन कैलकुलस सब मतलब 5th-6th तक ही पढ़ा चुके थे, तो एक नेचुरल लगाव जो होता है फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए वो हो गया था, उन्होंने बचपन से ही रोबोटिक्स में ही डाल दिया था 6th क्लास से ही, तो एक
व्हीकल इंजीनियरिंग एंड ये सब बेसिक्स को मतलब वो एंजॉय करने लग गया था, तो उसके वजह से एक नेचुरल मतलब यू हैव दैट की सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस की मतलब उन्होंने राइट डायरेक्शन में पुश किया, तो आज हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। लास्ट में मेरे पास तीन सवाल है क्योंकि सर लेट हो रहे हैं। तो एक जो आपका कोट है जो मैं मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने हाल ही में कहा था किसी चैनल को कि वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट इन स्पीड। जी जी जी, ऐसा क्यों? देखिए डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप मान लीजिए कि आप कहीं पे गोल गोल घूम घूम के आपको लगेगा कि आपने पूरा दिन काम किया है, बट हम एक डायरेक्शन नहीं दो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि यार देखिए आप सुबह आ रहे हो शाम में जा रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं कर रहा है कि आप ऑफिस में कितना देर टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या मैटर कर रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। कई बार वो प्रॉब्लम आपको 15 घंटे लेगा, कभी 5 घंटे लेगा, आप उस पर फोकस करो। अब ये मत देखोगे कितना टाइम हुआ, मेरा लीव क्या है, मेरा ये नहीं है। मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ कि अगर हम एक डायरेक्शन की तरफ काम करें राइट, तो एवरेज लोग भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। अगर आपके पास ब्रिलियंट लोग हो बट सब अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, बट अगर एवरेज सेट ऑफ पीपल भी है बट आपका लेजर फोकस है किसी टास्क पे, तो आप काफ़ी अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। एंड इसी के लिए मैं वो बोलता हूँ कि मतलब वैसे तो मैथमेटिकल कोट है बट दिशा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना डायरेक्शन का आप कंपनी का भी आप गोल सेट करते हैं कि हमें ये करते हैं, तो वो एक जनरल में वो एक डायरेक्शन हो जाता है। नहीं तो हर मंथ आप कुछ सोच रहे हैं, कोई नंबर कोई सोच रहे हैं, कोई और प्रोड्यूस करना है कोई, तो डायरेक्शन एक सब लोगों को बांध के एक दिशा में हम लोग ग्रो करते हैं, तो दैट इज व्हाई आई से कि वेलोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एडवाइस, आज से आप 10 साल पीछे चले जाइए, अपने यंगर सेल्फ को आप क्या कहोगे अगर आपको अभी कहना हो? 10 साल पहले बोलूँगा और 10 साल पहले थोड़ा और अर्ली बिगर गोल्स और चेज करने के लिए, आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड हैव सेड, बिकॉज जो मुझे रियलाइज हुआ है कि आज का जो वर्ल्ड है इट मतलब टाइम देखिए लिमिटेड है आपके पास, मतलब दिस इज व्हाट आई मतलब अब तक मुझे यही समझ आया है कि टाइम एट द एंड ऑफ द डे इज लिमिटेड, यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी डे दैट यू आर गोइंग थ्रू। आई मीन देर हैज़ बीन टफ जर्नी थ्रू एंड थ्रू, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ दिस इज कंस्ट्रक्टेड, देर इज लाइक स्टोरीज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस स्ट्रगल ऑल्सो, तो मोस्टली बींग ग्रेटफुल एंड आई थिंक टेक बोल्डर रिस्क, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट बींग ग्रेटफुल इज इम्पॉर्टेंट। चाहे आप छोटा रिस्क लीजिए बड़ा रिस्क लीजिए, डोंट फील दैट प्रेशर ऑफ विक्टिमाइज की मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, वर्ल्ड इज नॉट फेयर, इट वॉज नेवर फेयर, इट विल नॉट बी फेयर। What is important is ki you take your shot and it's okay if some shot works, some shot doesn't work. So wo ye wala cheez kafi mere ko lagta hai ki agar main shayad pehle bolunga last ke bas do sawal hai fir aapko main ijazat de dunga. Ek koi aisi cheez aap, kyunki aaj ka jo Bharat hai wo make in India, made in India, scale India, is pe bahut focus karta hai. Ji ji ji, to ek aisa koi lesson aap entrepreneurs ko aap dena chahoge jo future entrepreneurs hain unko kya kehna chahoge, ek advice जो आपको लगता है कि सबसे काम किए कोई भी नहीं? देखिए आई वुड से कि हम लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं, मतलब आप अगर इस फ्लोर पे देखेंगे फ्रॉम चैसी टू बैटरी पैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लोग सब इधर बिल्ड करते हैं। सेल्स कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिपेंड करना पड़ता है, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सही में फोकस करते हो तो पॉसिबल है, टाइम लेता है मतलब इकोसिस्टम को बिल्ड करने में जगाने में, बट जो बेनिफिट ये है कि आप कंट्रीब्यूट तो करते ही हैं इकोसिस्टम में, बट आपकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाती है। आप सेम टाइम जोन में हो, कोई प्रॉब्लम है आप जाके बात कर सकते हो, मिल सकते हो, आप समझते हो, तो आपकी जो एफिशिएंसीज है धीरे धीरे बेटर हो जाती है। तो अगर करना है तो इनिशियली देखिए मतलब इट शुड नॉट बी कि हाँ चलो फोकस करते हैं आज वाला ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में मेक इन इंडिया पे फोकस करेंगे, अगले साल कुछ देखते हैं, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू बी कंटिन्यूसली आपको फोकस करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आपको कई बार सप्लायर को एजुकेट करना पड़ेगा, कई बार अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की भी इकोसिस्टम के चैलेंजेस हैं, बट यहाँ पे भी लोग हैं अपॉर्चुनिटी में बिलीव कर रहे हैं,
मतलब इवन इन ई इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोगों ने बहुत यंग कंपनीज को देखा है कि दे वांट टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड दे आल्सो कम एंड फिगर आउट कि हम कैसे वो लोग आगे बढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लास्ट एक लाइट सवाल है, आप मतलब मैं जब आपकी फैक्ट्री विजिट कर रहा था तो कमर ताज भी है यहाँ पे, यहाँ पे स्टार्क भी है, तो मार्वल फैन में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है? मार्वल मतलब मैं तो फैन हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर, कोई एक होगा आयरन मैन तो हम लोग को काफ़ी सही लगता है आई थिंक एज अ कैरेक्टर, स्पेशली एंड का सैक्रिफाइस से लेके जो मतलब है डॉक्टर डूम बन के आ रहे हैं वो। हाँ अभी मैं तो एज अ कैरेक्टर है लाइक। तो ये थे हमारे साथ सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ऑयल एंड मोटर्स, आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार अगर हुआ हम मिले तो ये और बेहतर तरक्की और बेहतर ऊंचाइयों के साथ हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।